बीटाउन के जय यानी कि फरदीन खान का फाइनली 14 साल बाद वनवास खत्म होने जा रहा है। आखिर फरदीन खान 14 साल बाद फिल्मों की दुनिया में कमबैक जो करने वाले हैं। एक वक्त पर मोटापा, ड्रग्स और लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से फरदीन का करियर बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन अब फैट फिट हुए फरदीन खान अपनी अपकमिंग सीरीज हीरा मंडी से लोगों को एंटरटेन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, फरदीन खान ने इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि वो 50 साल के होकर भी 30 के दिखने लगे हैं। जी हाँ, फिरोज खान के बेटे फरदीन खान 14 साल बाद हीरा मंडी से कमबैक करने जा रहे हैं। एक वक्त पर अपने मोटापे की वजह से रिजेक्शन झेलने वाले फरदीन अब फिट और डैशिंग हो गए हैं। तभी तो जब एक्टर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही फरदीन है जो एक वक्त पर ड्रग एडिक्ट हो गए थे। तभी तो नेटिजन्स लगातार फरदीन की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो काफी बदल गए हैं। दरअसल बीते दिन पहले फरदीन को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वो कैजुअल लुक में नजर आए, तो इसके बाद वो दिल्ली में हुए हीरा मंडी के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे थे, जहां वो शाही लुक में नजर आए थे। फरदीन को देख यकीन करना मुश्किल है कि वो 50 साल के हैं। तभी तो इस दौरान फरदीन को इस तरह देख लोगों को यंग फरदीन की याद आ गई और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स लगातार कमेंट करने लगे। एक यूजर ने कमेंट किया, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं फरदीन जी, 30 साल के लग रहे हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, पहले जैसा हो गया है फरदीन। एक शख्स ने कमेंट किया, अमेजिंग एक्टर, अच्छा हुआ वापस आ गया। तो किसी ने कहा, इन्हें बहुत समय बाद देखा। ऐसे ही कई कमेंट्स फरदीन की नई ट्रांसफॉर्मेशन को देख लोग कर रहे हैं। भले ही फरदीन ने कई हिट फिल्मों में काम किया हो, लेकिन उनका खुद का फिल्मी करियर फ्लॉप ही रहा। आखिर अपने 12 साल के करियर में फरदीन ने अपने दम पर एक भी हिट फिल्म नहीं दी और उनकी जो हिट फिल्में रही वो मल्टी स्टारर थी, जिसकी कामयाबी का श्रेय उन्हें कभी नहीं मिला। लगातार फ्लॉप होते फरदीन खान को फिल्मों के ऑफर्स मिलना बंद हो गए थे। वो आखिरी बार साल 2010 में दुल्हा मिल गया में नजर आए थे। फिल्म में ना मिलने के कारण फरदीन खान डिप्रेशन में चले गए थे और इससे उनका वजन भी बढ़ गया था। इसके अलावा साल 2001 में फरदीन खान को ड्रग्स खरीदते रंगे हाथों पकड़ा गया था और फिर 5 दिन की जेल भी हुई थी। ड्रग एडिक्ट फरदीन को रिहाब सेंटर भी भेजा गया था, जहां उन्हें इस लत से छुटकारा मिला था। सीरीज हीरा मंडी की बात करें तो फरदीन खान के अलावा इस सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मीन सहगल है। ये थिएटर्स में नहीं बल्कि 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। फरदीन के फैंस उनके कमबैक के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।